हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा दुबे स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल बुटीक क्लासेस में। आज हमारी क्लास का फिफ्थ डे है और आज हमें काटना है बेल्ट वाली सलवार, है ना। तो सेकंड नंबर पे हमारी बेल्ट वाली सलवार थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसी कॉपी बना ली होगी और ऐसा सिलेबस भी तैयार कर लिया होगा। तो सेकेंड नंबर पर है हमारी बेल्ट वाली सलवार, ठीक है। तो बेल्ट वाली सलवार की हमने लंबाई ली 25 इंच, मोहरी ली हमने 5 इंच। तो इसमें हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, जो लंबाई रहती है सलवार की उसमें से हमें बेल्ट माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं हम कटिंग। फिर वही चीज़ कहूंगी मैं कि हमने ये कपड़ा लिया, इसको डबल फोल्ड किया, ये जॉइंट वाला पार्ट हमारी तरफ रहेगा, ओपन वाला पार्ट हमारे अपोजिट रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो पूरा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारी ये सलवार की हमने ली लंबाई, ठीक है। तो ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये हमने 25 इंच की सलवार है, तो हम इसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट का। तो हमें कितनी लेनी है सलवार की लंबाई, 20 इंच। तो हम ये 20 इंच पे सीधा एक निशान लगा देंगे, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। आगे जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 20 इंच कपड़ा है। अब यहाँ पर हमने ये मोहरी का निशान लगाया 5 इंच, ये देखिए 5 इंच हमने मोहरी का निशान लगाया, 1 इंच कटिंग के लिए लगाया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें बेल्ट लगेगा तो हम जो सीट लेते हैं, कल हमने सादी सलवार में 7 इंच की सीट ली थी, तो आज हम इसमें ये 5 इंच की लेंगे। क्यों, आप सोचेंगे कि ये सलवार भी लंबी है और इसमें बेल्ट सीट भी कम ले रही हैं, तो इसलिए हम कम लेंगे क्योंकि हमें टोटल सीट 10 इंच चाहिए। 25 इंच की सलवार में हमें टोटल सीट 10 इंच चाहिए, 5 इंच सीट सलवार में आ गई और 5 इंच का हम ये बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इंच, ठीक है। प्लस 10 इंच में हम 2 इंच और जोड़ेंगे जो कि नाड़ा डालने के लिए फोल्ड होगा, ठीक है। तो हम 7 इंच का बेल्ट काटेंगे। अब पहले ये जो सीट का 5 इंचेस का निशान है, जो ये नीचे उतरा है, इसको हम ये मोहरी के पार्ट से मिला देंगे, ठीक है। ये हमने ये जो इस स्केल का जो यूज़ है वो ये है, इस तरीके से सलवार में गोल शेप देने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये नहीं है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सादी सलवार सादे स्केल में भी बता दूंगी कि किस तरीके से काटा जाना है, वो शेप किस तरीके से दिया जाएगा सादे स्केल में, ठीक है ना। तो जब तक मैं हूँ आपके साथ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन लेकर ही आती हूँ। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। अभी देखिए, जैसा मैंने कल बताया था, ये खुद का हम इसलिए लगा देते हैं कि हमें पता चले कि यहाँ से यहाँ पर म्यानी लगनी है, ठीक है ना। तो ये हमारी सलवार कट गई। अब हमें बेल्ट का पार्ट काटना है, तो हमने ये सलवार करी एक तरफ। अब ये कपड़ा लिया, कपड़े में हमने टोटल 5 इंच चौड़ाई का हमें बेल्ट लगाना है, ठीक है। तो हमने ये 5 इंच पे निशान लगाया, ठीक। अब यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ा लिया, काहे के लिए, नाड़ा डालने का जो हमें बनाना है वो, और ये हमने टोटल 13 इंच ले ली, ठीक है ना। ये देखिए 13 इंच, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना इजी वे में बता रही हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की, फिर भी मैं बोलूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछिए, मैं एक बार नहीं जितनी बार आप पूछेंगे मैं बताऊँगी। देखिए, कल बताया था मैंने म्यानी का, ये सीधा पार्ट अपनी तरफ रहेगा, यहाँ पर हमने अपनी एक फिंगर रखी, ये देखिए इस तरीके से ये कोण की तरह मोड़ा, यहाँ से हमने इसको कट करके, ये हमारी म्यानी हो गई। यहाँ पर ये म्यानी लग गई हमारी और ये हमारा बेल्ट लग गया,
ठीक है ना। तो ये हमारी 25 इंच की सलवार बन के रेडी हो गई। ये देखिए, ये नाड़ा डालने का भी मोड़ लिया हमने। ये देखिए, टोटल 25 इंचेस। ठीक है, आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।